हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार बैटरी वाला इन्वर्टर सेट करके दिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इस बैटरी को कैसे सेट करना है, किस तरीके से इन्वर्टर का वायर लगाना है और किस तरीके से बैटरी को सीरीज करना है, ये 4 KVA का जो है सो इन्वर्टर है। ठीक है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, वायरिंग वगैरह किस तरीके से करना है, ये सारा कुछ सिस्टम भी समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और यहां जो आप देख रहे हैं ये जो हाथ में है ये लूप वायर है जो बैटरी को सीरीज किया जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस जो सीरीज किया जाता है उस चीज के लिए ये बैटरी का वायर है। ये सारा चीज कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों एक बैटरी वाला इन्वर्टर तो कोई भी इंसान सेट कर लेते हैं या दो बैटरी वाला भी लगभग लोग सेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है 2 से अधिक करने की तो उसमें होता है क्या कि बैटरी को किस तरीके से सजाया जाता है, किस तरीके से माइनस प्लस को रखा जाता है, उस तरीके से सेट करना पड़ता है। अगर आप ढंग से सेट नहीं करते हैं तो इन्वर्टर की जो वायर होती है जो पीछे से माइनस प्लस जो निकली हुई होती है वो छोटी पड़ जाती है। इसलिए किस तरीके से सेट करना है ताकि आप लोगों को नजदीकी वाले बैटरी में वायर जोड़ने का जगह मिले, ठीक है, और इन्वर्टर का वायर छोटा नहीं पड़े, इसके लिए आपको इस वीडियो में डिटेल्स में समझाऊंगा। ये जो दोस्तों मैं वायर जोड़ रहा हूँ ये प्लस वाला टर्मिनल है जो कि आगे आपको पता चलने वाला है, और इसको माइनस में किस बैटरी में टच करने वाला हूँ, अक्सर लोग करते हैं कि ये बगल वाले बैटरी में कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और काम भी करने में आसानी हो। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट वाले बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल में मैंने एक वायर को लगा दिया है और उसके बाद इस लास्ट वाले बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल में मैं लगाने वाला हूँ इस बैटरी को, जिसको मैं अभी नट बोल्ट को खोल रहा हूँ उसी में मैं लगाऊंगा, यानी कि दोनों लास्ट वाले में। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको मैं आपस में टच कर दे रहा हूँ, यानी कि दोनों साइड वाले बैटरी को, बीच में 2 बैटरी अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और सब बैटरी को मैंने सजाया है, पहले बैटरी को प्लस, उसके बाद दूसरे बैटरी को माइनस, फिर तीसरे बैटरी को प्लस, फिर चौथे बैटरी को माइनस, इस तरीके से हमने सजाया है। और ये जो है ना लगभग लोग ऐसे ही सजाते हैं, लेकिन दोनों लास्ट वाले बैटरी से इन्वर्टर का वायर निकालते हैं और मैं दोनों जो एक साथ बैटरी टच है उसी से इन्वर्टर के वायर को माइनस प्लस निकालने वाला हूँ ताकि हमें वायर कनेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको माइनस वाले को लगाते हैं, उसके बाद कौन से बैटरी को टच करना है ये बताते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके से दोनों बैटरी का टर्मिनल को एक साइड करके लगाना है, तो माइनस प्लस और इधर का माइनस प्लस सारे हो जाएंगे। कितने लोग करते हैं ये दोनों को टकरा देते हैं और ये दोनों को टकरा देते हैं, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को होगा कि इन्वर्टर का वायर यहाँ से और यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को करना है ये लास्ट वाली बैटरी और ये लास्ट वाली को, जैसे कि देख सकते हैं ये हमने आपस में यहाँ से माइनस दे दिया, यहाँ से प्लस दे दिया। अब इसको हम कर लेते हैं कि ये दोनों को माइनस प्लस दे देंगे और यहाँ से हम माइनस प्लस टकरा करके यहाँ से हम इन्वर्टर का वायर निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, इन्वर्टर का वायर भी छोटा नहीं पड़ेगा, तो इसको हम फटाफट से जोड़ देते हैं। यहाँ देख सकते हैं माइनस, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं वायर पकड़ के दिखा रहा हूँ, यहाँ है प्लस, उसके बाद फिर दूसरे के बैटरी का देख सकते हैं ये जो हो गया ये माइनस हो गया, फिर यहाँ लास्ट वाले में देख सकते हैं ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमने बीच का दोनों बैटरी को टच कर दिया है और साइड का माइनस प्लस और बीच का माइनस प्लस। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ, यानी कि बैटरी के दूसरे साइड, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। माइनस और ये प्लस, ये दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं 2 टर्मिनल दोनों बैटरी के खाली है, ये वाली इसमें इन्वर्टर के वायर को कसने वाले हैं, यानी कि रेड और ब्लैक जो वायर इन्वर्टर से निकलती है ये वायर इसमें कनेक्ट हो जाएगी। एक बार आप यहाँ क्लियर समझ लेंगे, प्लस माइनस
फिर यहाँ प्लस माइनस, उसके बाद सबसे पहले हमें इन्वर्टर के वायर को माइनस को जोड़ना है, ठीक है। दोस्तों ये जो बैटरी का लास्ट वायर जोड़ने में इतना स्पार्किंग कर रहा है, अगर आपको डर लगता है तो आप इन्वर्टर को ऑफ कर दें या फिर इन्वर्टर के एमसीबी को डाउन कर दें, तो ये स्पार्किंग नहीं होगा। दोस्तों अब इन्वर्टर के स्विच को ऑन करते हैं और देख सकते हैं यहाँ लाइन आ चुका है, इन्वर्टर हमारा ऑन है, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्वर्टर के पीछे और सारे सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पीछे हम आ चुके हैं और यहां आप देख रहे हैं ये जो डबल वाला जो एमसीबी है, जिसको डीपी एमसीबी बोलते हैं, ये इन्वर्टर का चार्जिंग है। अगर ये बंद हो जाता है तो आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं होगा। उसके बाद आप ये जो सिंगल पोल एसपी आप देख रहे हैं, ये अगर बंद हो जाता है तो आपका इन्वर्टर आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद यहाँ टर्मिनल के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट में है लाइन, उसके बाद है न्यूट्रल, उसके बाद है आउटपुट, ठीक है। और उसका ये जो है हमारे यूज़ का नहीं है, ठीक है, तो इसको खाली छोड़ देना है। और लास्ट में जो है ये बॉडी अर्थ है, ये हमें यूज़ करना है, ठीक है। बॉडी अर्थ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो येलो में जो रेड स्विच है, जिसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड पे है। इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी वोल्टेज नहीं है तो ये इन्वर्टर कभी चार्ज लेता है कभी छोड़ देता है, तो इसको आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कभी आपको इन्वर्टर पे यूज़ ही नहीं करना है, डायरेक्ट लाइन पे यूज़ करना है, तो आप इस चीज़ को मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हमने वायर कनेक्ट कर दिया है, आप लोग अच्छे से एक बार समझ लें। ये जो दोस्तों मैंने ऊपर वायर लगाया है, ये नीचे वाला टर्मिनल जाम था, जला हुआ था, ये खुल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऊपर लगाया है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट लाइन और न्यूट्रल के बारे में। दोस्तों ये जो रेड वाला है ये आउटपुट लाइन है और ये ब्लैक वाला आउटपुट न्यूट्रल है। अगर आप सिंगल तार वाला इन्वर्टर कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रल देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बॉडी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों इन्वर्टर को ऑन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों अब वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।